हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास आई हुई है स्प्लेंडर 2018 मॉडल, और ये है भाई सिर्फ 35,000 रुपये की। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड ने परचेज़ करी है 35,000 में स्प्लेंडर। तो मैंने सोचा चलो आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि जो आज के टाइम में 2022 में स्प्लेंडर का क्या रेट चल रहा है 2018 मॉडल का। क्योंकि आप ओलेक्स वगैरह में ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको रेट दिखने को मिलेगा 40,000, 45,000, 48,000 इस टाइप का। जब आप उन्हीं से ही डील करोगे ना, जाके बात करोगे, तो आपको 35 और 40 के बीच बीच में ही, चाहे वो 35 का 36 भी हो जाए, चाहे वो 38 भी हो जाए या 40 भी हो जाए, वो डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन के ऊपर। जैसे इसकी कंडीशन अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, और बाकी थोड़ा बहुत इसमें भी काम करवाया गया है, तब भी मतलब 35 का पड़ा था उसको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखो इंजन वगैरह कैसा है इसका और बाकी ओवरऑल लुक कैसा है इसका। तो ये देखो बाहर से हल्का हल्का जंग लगा हुआ है, मतलब इंजन के पास। ये तो खैर बाहर धूप में खड़े होने की वजह से बारिश वगैरह पानी से हो जाता है। जैसे ये जो ये क्लच का लीवर है, ये सारा घिसा हुआ है। तो ऐसी मतलब 3-4 साल पुरानी बाइक होगी, उसमें इतनी छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसी होगी। पर जो उसका रेट है 35,000 रुपये, तो आप भी जब लेने जाओ, अगर 18 मतलब 3-4 साल पुराना मोटरसाइकिल, जैसे 2018 मॉडल है, इस टाइप का स्प्लेंडर आप लोगे ना, तो अगर आपको कोई बोलता है कि यार ये 40,000 का नहीं है, 42,000 का, 45,000 का है, तो आप रेट नेगोशिएट करा लेना, और नेगोशिएट कम करवा के मतलब 35 और 40 के बीच में ही रखना। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है तो आपको 40 के आसपास पड़ जाएगा, और अगर थोड़ा वो डाउन है, जैसे टायर वगैरह घिसे हुए हैं, तो वो 35-36-37 की रेंज आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चाहे वो आप ओलेक्स से ले लो, चाहे किसी डीलर से ले लो, चाहे अपने किसी जानने पहचानने वाले, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है या आपके फैमिली सर्कल में कोई भी हो सकता है, अगर आपको लेना है तो। ठीक है, इस रेंज में पड़ता है स्प्लेंडर। बाकी सब कहते हैं कि भाई रेट तो अप डाउन होते रहते हैं, तो अप डाउन तो भाई बाइक की कंडीशन के ऊपर होता है। जैसे अभी इस बाइक की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, तो और बस थोड़ा बहुत जैसे पिछला टायर है वो चेंज करवाया था, इसका टायर थोड़ा घिसा हुआ था बाइक का, तो इसलिए ये 35 की मिल गई थी। क्योंकि जिसने सेल करा था वो भी 40 कह रहा था, पर उसने भी डाउन करते करते 35 में सेल कर दिया था। तो आपको भी ये इसी कंडीशन की बाइक 35 के आसपास और 40 के बीच बीच में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो भाई देखो सही लग रहा है तो बस लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।